गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन टू स्टैंडर्ड फर्स्ट। टेक इट आउट योर हिंदी प्रवेशिका बुक। हिंदी प्रवेशिका बुक आप निकालो, हिंदी की प्रवेशिका बुक आपको निकालना है। उसमें पेज नंबर हम आज 45 to 48 आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो पेज नंबर 45 पे आपको क्या दिया हुआ है? ब। ये कौन सा नया शब्द है? ब, ब बस का ब, ब बस का ब। यहाँ पर श दिया हुआ है, जो मिसिंग है वो क्या है? ये नया शब्द ब। तो आपको यहाँ पर लिखना है ब, ब बस का ब, और इंग्लिश में बी यू एस बस। ओके, अभी नीचे एक्सरसाइज क्या दी हुई है? ब पहचान कर सर्कल बनाओ। जहाँ पर भी ब आपको दिखाई देता है उसके ऊपर चक्कर लगाना है। तो ये क्या है? ब बस का ब, चक्कर लगाओ। ये ट, छ, ब, तो ब ऊपर सर्कल। न, ब, ब ऊपर सर्कल। ख, म, ग, च, छ, ब। क, ब, मतलब जहां पर भी ब हो उसके ऊपर ही सिर्फ करना है और किसी पर भी नहीं। फिर क्या है? ब को ब से शुरू होने वाले चित्रों से जोड़ो। यहाँ पर मैंने चित्र नहीं दिया हुआ है, आपको जो शब्द ब से शुरू होता है उसके ऊपर आपको मैच करना है। जैसे कि बस, तो ये ब आता है इसमें, तो मैच करो। पपीता, तो प आता है तो नहीं करना है। बतख, तो आता है तो क्रॉस करो। ध्वजा में ब नहीं आता है तो नहीं करना है। बकरी, उसमें ब आता है यस, तो मैच करो। न थ, तो उसमें ब नहीं है तो आपको नहीं करना है। बर्तन, तो उसमें ब है तो आपको यहाँ पर मैच करना है। ये जो एक्सरसाइज है वो आपको पेज नंबर 46 पे दिया हुआ है। अभी पेज नंबर 46 पे दूसरी एक्सरसाइज क्या है? ब के नीचे रेखा खींचो। जहाँ पर भी इस शब्द में ब दिखाई देता है आपको उसके नीचे क्या करना है? अंडरलाइन करना है। बकरी, तो ब कहाँ पर है? पहला ही है, उसके नीचे अंडरलाइन करो। गुलाब, तो उसमें ब कहाँ पर है? उसके नीचे अंडरलाइन करो। किताब, तो ब कहाँ पर है? लास्ट, अंडरलाइन करो। खबर, तो ब कहाँ पर है? उसके नीचे अंडरलाइन खींचो। टब, तो उसमें ब कहाँ पर है? यहाँ पर अंडरलाइन करो। सेब, उसमें ब कहाँ पर है? उसके नीचे अंडरलाइन आपको करना है। ब से अलग वर्णों को क्रॉस करो। जो ब के सिवाय के शब्द है उस पे ऊपर क्रॉस करना है, ब के ऊपर नहीं। यहाँ पर ये ब है तो नहीं करना है। व पे क्रॉस, ब नहीं। म पे क्रॉस, यहाँ पर ब पे नहीं। क, ब पे नहीं। फ, ब पे नहीं। प, ब है नहीं करना है, ध पर। च और त, यहाँ पर भी ब है तो उसके ऊपर आपको क्रॉस नहीं करना है। तो वैसे पेज नंबर 46 पे आपको फिर नीचे येलो कलर के बॉक्स में, पिक्चर के नीचे येलो कलर का बॉक्स है, उसके नीचे शब्द दिए हुए हैं। उस शब्द ब से शुरू होता है उसको आपको बोलना है और लिखना है। बकरी, बतक, बर्तन, बरामदा, ठीक है। फिर नीचे लास्ट क्वेश्चन क्या है? शब्द में से बे ब पहचान कर बनाओ, चक्कर बनाओ। जहाँ पर भी ब दिखाई देता है, जैसे यहाँ पर हमने सर्कल किया, वैसे उस शब्द में जहाँ पर भी ब दिखाई देता है उसके ऊपर आपको सर्कल करना है, ठीक है। अभी पेज नंबर 47 देखो। पेज नंबर 77 पे आपको क्या दिखाई देता है? ब, सॉरी 77 नहीं 47 पेज नंबर पे क्या है? ब, भ भगत का भ, भ भगत का भ। यहाँ पर ग त दिया हुआ है तो क्या आएगा नया शब्द? भ, भगत, क्या है? भगत। भगत को इंग्लिश में डिवोटीज, डिवोटीज बोलते हैं। अभी एक्सरसाइज फर्स्ट क्या है? भ पहचान कर सर्कल बनाओ। इसमें जहाँ पर भी भ दिखाई देता है उसके ऊपर आपको सर्कल करना है। तो ये भ, ब, म, ल, भ, श, भ,
प त ग प प ज ओके। फिर आपको पेज नंबर 47 पे डॉटेड लाइंस दी हुई है, आपको इसको पढ़ना है, ट्रेस करना है। ऐसे आपको डॉटेड लाइंस दिखाई देती है ना, तो इसके ऊपर पेंसिल घुमाओ और बोलते जाओ भ भगत का भ भ भगत का भ भ भगत का भ, ऐसे बोलते जाओ और भ भगत का भ करना है। फिर पेज नंबर 48 पे आपको क्या दिया हुआ है कि भ को भ से शुरू होने वाले चित्रों से जोड़े। यहाँ पर मैंने चित्र नहीं बनाए हैं, आपके बुक में चित्र दिया हुआ है। जो शब्द भ से शुरू होता है उसके साथ मैच करना है। जैसे कि भ, तो भ ग त, इसमें भ दिखाई देता है आपको, यस, तो मैच करो। खरगोश, तो इसमें कहाँ पर भी भ है, नहीं है, तो नहीं मैच करना है। भवानी, तो इसमें भ है, यस, तो मैच करो। गद्दा, इसमें नहीं है भ, तो नहीं करना है। भवन, तो उसमें भ है, तो मैच करो। भट्ठा, तो भ है यहाँ पर, तो मैच करो। केला, नहीं है, तो नहीं करना है। फिर सामने वाली एक्सरसाइज, जो पिक्चर के सामने वाली एक्सरसाइज, उसमें किया है भ के नीचे रेखा खींचो। जहाँ पर भी शब्द में भ दिखाई देता है उसके नीचे अंडरलाइन करना है। भगत, तो भ फर्स्ट ही है। भवानी, तो भ फर्स्ट। लाभ, तो भ पीछे है। नभ, तो भ पीछे। भरत, तो भ। शुभ, ओके। भ से अलग वर्णों को क्रॉस करो। जो भ नहीं है उसके ऊपर ही करना है, भ के ऊपर मत करना। तो भ म, भ ग, भ पे नहीं, श, भ ध, भ प, श प ग ध, तो सभी पे श प ग ध। भ जहाँ पर भी है उसके ऊपर आपको नहीं करना है। फिर नीचे चार पिक्चर्स दिए हुए, उसके नीचे उसका नाम लिखा है, भवानी, भवन, भगवान, जीव, ओके। और नीचे जो एक्सरसाइज है, शब्दों में से भ पहचान कर चक्कर बनाओ। शब्दों में जहाँ पर भी भ हो, यहाँ पर हमने सर्कल बनाया, वैसे आपको सर्कल बनाना है। तो वैसे पेज नंबर 45 to 48 आपको अपनी प्रवेशिका बुक में 4 पेज कंप्लीट करना है। थैंक यू।